आस्था की डोर से भक्तों ने खींचा भगवान का रथ। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंगलवार को धूमधाम से निकाला गया। नगर का भ्रमण कर भक्तों के साथ भगवान 4 नंबर टेक्सस चेन स्थित बनाए गए मौसीबाड़ी पहुंचे। भक्तों ने श्रद्धा की डोर से प्रभु का रथ खींचा, परिवार और समाज के लिए मंगल कामना की। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रभु के दर्शन किए। ब्रिज गोपिका मिशन के श्रद्धालु कार्यकर्ताओं ने जय जगन्नाथ प्रभु, जय जगन्नाथ, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, भज गोविंद भज गोपाल भजनों से गुणगान किया। गाजे बाजे के साथ भक्ति भजनों पर श्रद्धालु झूमते नाचते चल रहे थे। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के बारे में पूजा समितियों ने बताया कि झरिया निवासी राम खेलावन साव पुत्र रत्न की कामना पूर्ण होने पर 91 वर्ष पूर्व 1932 में पहली बार झरिया में रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। झरिया मेन रोड स्थित पंचदेव मंदिर से मंगलवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ की पूजा मंदिर परिसर में की गई। यजमान के रूप में अजय गुप्ता व सूरज गुप्ता सपरिवार बैठे थे। पुरोहित विजय पांडे द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कराया गया। इसके बाद मंदिर से भगवान जगन्नाथ बलभद्र व माता सुभद्रा को रथ पर बैठाकर पूजा आरती की गई। रथ के पहिए को घुमाकर यात्रा की रस्म अदायगी की गई। भारी संख्या में महिलाएं पुरुष व बच्चों ने प्रभु जगन्नाथ, भाई वीरभद्र व बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना कर स्नेह की डोर में बंधे रथ को खींचा। रथ यात्रा की शुरुआत पंचदेव मंदिर से निकलकर धर्मसारा रोड, लाल बाजार, लक्ष्मणिया मोड़, बाटा मोड़ नगर भ्रमण करते हुए 4 नंबर टैक्सी ट्रेन पहुंची, जहां रथ को 3 दिनों के लिए स्थापित किया गया। वहीं रथ पूजा को लेकर मेले का भी आयोजन किया गया। 3 दिनों बाद पुनः भगवान जगन्नाथ बलभद्र व माता सुभद्रा को उनके मंदिर में स्थापित किया जाएगा। मौके पर समिति के संयोजक विष्णु त्रिपाठी, अजय गुप्ता, सूरज गुप्ता, विजय पांडे, हरीश जोशी, राजकुमार अग्रवाल, बलदेव पांडे, अरिदम बनर्जी, मुक्तेश्वर मिश्रा, मुन्ना पांडे, संजय केसरी, राम श्रेष्ठ झा, लोकेश गुप्ता, कल्लू गुप्ता, शिवम त्रिपाठी, सदाशिव केसरी, डोल केसरी समेत कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए राम खेलावन साव ने मांगी थी मन्नत। झरिया निवासी अजय गुप्ता ने कहा कि मेरे परदादा राम खेलावन साव पुत्र कामना की इच्छा से वर्ष 1930 में भगवान जगन्नाथ के दरबार पूरी पहुंचे थे। भगवान जगन्नाथ के दरबार में माथा टेक कर कहा था कि मेरे पुत्र होने पर रथ यात्रा निकालूंगा। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से राम खेलावन साव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद हर वर्ष आनंद और हर्ष के साथ काठ का भव्य रथ बनाया और सर्वसाधारण की पूजा के लिए समर्पित कर दिया। 1932 में पहली बार झरिया में आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को रथ यात्रा निकाली गई। तब से यह रथ यात्रा झरिया में पहले के पूजा और आपके पूजा में क्या अंतर है? बहुत फर्क हो गया है। पहले पूजा के साथ साथ लंबा चौड़ा मेला लगता था, लोगों में हर्षोल्लास रहता था। चिल्ड्रन पार्क में लंबा चौड़ा मेला और हजारों लोग इसका माने आनंद उठाते थे। अब प्रशासन की अनदेखी से, प्रशासन की अनसुलझे निर्णय के चलते पार्क में रथ मेला और रथ पूजा लगने का जो न लगाने देने का फरमान हुआ, उसके पश्चात हमारी संस्था निर्णय ली कि इसको बाजार में लाया जाए। तो जाहिर सा बात है, अगर मेला नहीं लगेगा तो थोड़ा सा तो उल्लास में कमी आती है। यह आस्था के जो डोर है, डोर खींचने से क्या उनकी मन्नतें क्या पूरी होती है? मन्नतें पूरी होती हाँ,
सर्वप्रथम जो हमारे रामकृष्ण साहु जी थे उनके सपने उनके औलाद उनकी औलाद नहीं थी, उनके सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा कि चाची का निर्माण करके घरिया में ये करो, तुम्हारे घर में अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात उन्होंने इसका निर्माण कराया और उनके घर में दो पुत्रों ने जन्म लिया। आस्था और उसी आस्था से जुड़ के घरिया के हजारों लोग इस पूजा में भाग लेते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन? लगभग धनबाद जिले के सभी कोने से कोई भी कोने, क्योंकि धनबाद जिले की सबसे पुरानी पूजा 1931 से ये पूजा हो रही है। इतनी पुरानी पूजा धनबाद जिले में कोई नहीं। नाम क्या हुआ आपका? वैष्णव त्रिपाठी, संयोजक, रथ यात्रा संचालन समिति।